नमस्कार साथियों, हरे कृष्णा। मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और आशीष चतुर्वेदी व्लॉग में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो चलिए साथियों, प्रारंभ करते हैं आज की दिनचर्या। अभी 1:55 हो गया है। आज का व्लॉग मैं काफ़ी लेट प्रारंभ कर रहा हूं क्योंकि दूसरे कामों में व्यस्त था और अब समय हो गया है हमारे लंच का। लंच में मेनू में क्या होने वाला है ये तो नहीं मालूम, बट मैं इतना ज़रूर गैस कर सकता हूँ कि आज का मेनू बहुत ही सिंपल और हेल्दी होगा और अच्छा लंच या दोपहर का भोजन दिन भर की एनर्जी बना के रखता है। मेनू में क्या होने वाला है इसे जानने के लिए हमको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि जब संजय आएगा वही बताएगा कि आज का हमारा मेनू क्या होगा। मेनू में है छोले की सब्जी और पराठा और राइस। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। देखिए संजय यहाँ पे डोसे के तवे में पराठा बनाते हुए, वाह। देखिए भाई साहब, कभी आपने देखा है डोसे के तवे पे पराठा? नहीं देखा तो आज जरूर देख लीजिए। और ये बन चुका है राइस, गर्मा गर्म राइस। तो साथियों जायका लेते हैं भोजन का। शरीर में स्फूर्ति और एनर्जी प्रदान करता है हेल्दी भोजन। वाह। तो साथियों अब हम लेंगे राइस और छोले। मजा आ गया, मजा आया, मजा आया, मजा आया। तो साथियों हेल्दी और स्वादिष्ट भोजन करने के पश्चात अब नींद का आभास हो रहा है, बट सोना नहीं है। अभी मैं करूंगा थोड़ी सी एडिटिंग। अबे ये फोन पे बात करने की आवाज कहाँ से आ रही है? थोड़ा देखता हूँ कहाँ से आ रही है ये आवाज। हेलो हेलो। अरे भाई पूरा दिन भर तो ये बस्ती में एक्स्ट्रा कूलर करते रहे। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर एक का कबीना। आंखें देखो नियत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। बड़ा हरामी हो बेटा। अबे तुम सुधरोगे कि नहीं सुधरोगे? जब देखो जब गर्लफ्रेंड से बात करते रहते हो। कितनी गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? जब देखो जब तुम गर्लफ्रेंड से बात करते रहते हो। सुधर जाओ, कुछ काम धंधा करो। तो शाम का भी 5 है और मैं बालकनी में बैठ करके चाय का ले रहा हूँ। तो साथियों चाय का भारतीय रूटीन या डेली लाइफ में बहुत ही महत्व है। जब हम उठते हैं तो सुबह चाय लेते हैं जिससे हम ऊर्जावान फील करते हैं, फिर शाम को चाय लेने की परंपरा है। लगभग 4-5 जब हमको लगता है कि अब हमारी एनर्जी थोड़ी डाउन है और हम चाय की चुस्की या जायका लेकर के ऊर्जावान महसूस करते हैं और फिर आगे की दिनचर्या जारी रखते हैं। तो साथियों चलिए जायका लेते हैं, चाय का चुस्की लेते हैं। वाह मजा आ गया। भारत के आखिरी चाय की दुकान, हसमत पगले प्यार हो जाएगा, खराब से खराब चाय, वाह बेवफा चाय की दुकान। और अब मैं आपको दिखाता हूँ भारत में चाय पीने की स्टाइल। तो दोस्तों हमारे इंडियन लोग जो है ना, इतनी जानकारी तुम्हें कहां से मिली? क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तू समझा? हाँ नहीं तू समझा? नहीं समझे? अरे यार चलो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। ये जानकारी मुझे ऑब्जर्वेशन से मिली। मैं देखता हूँ कि कौन कैसे चाय पी रहा है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, वहां से जानकारी मिली। इतनी छोटी सी बात पूछते हो यार। अच्छा तो साथियों ये बिल्ली का बच्चा है जो अभी हमारी सोसाइटी में आ गया है और अब वो बच्चों का खिलौना हो गया है। देखिए जो बच्चे देखते हैं वही उसको अपनी गोद में सुलाते रहते हैं। बिल्ली के तो मज़े ही हो गए हैं, देखिए कितना आनंद ले रही है। इसका कुछ नामकरण भी कर दिया है, लोग उसको इसका खाना भी खिलाते हैं, मस्त हो गया उसका। देखिए कितने आराम से पड़ी हुई है, उसको लग रहा है कि बिल्कुल स्वर्ग में हम आ गए। वाह 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 क्या बात है।
साथियों अभी मैं आ गया हूँ इवनिंग वॉक करने के लिए और हमारा लक्ष्य है कि कम से कम हम 5 किलोमीटर वॉक करेंगे और वॉक करने के पश्चात हम प्रस्थान करेंगे मंदिर। और मौसम बहुत ही बढ़िया है, ठंडी हवा बह रही है, बहुत ही सुहावना मौसम है। तो साथियों अभी मैं निकल चुका हूँ हनुमान मंदिर और शनि देव जी के दर्शन करने के लिए। साथियों अभी मैं मंदिर में शनि देव और हनुमान जी के दर्शन करके आ चुका हूं और मंदिर की एक सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर कुछ ना कुछ एक प्रतिदिन सुविचार लिखा होता है। तो साथियों आज का सुविचार मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। तो कोई भी समस्या यदि आपके जीवन में आती है तो वो आपको मजबूत करने के लिए आती है, ना कि आपको कमज़ोर करने के लिए। तो साथियों इस सुविचार को यदि हम देखें तो भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए उनको वनवास जाना पड़ा। उनके लिए बहुत आसान था कि वो राज की गद्दी ले लेते, तो उनके पास ऐसे कई अवसर आए कि वो राज सिंहासन ले सकते थे। उनको भरत ने मनाया, उनको बाद में राजा दशरथ ने मनाया, बट उन्होंने उसको अपने माता पिता की आज्ञा मानकर के 14 वर्ष का कठिन परिश्रम किया और 14 वर्ष किस कठिनाई से जिए और वहाँ पर किस तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत का एक अनूठा उदाहरण दिए, इसलिए वो भगवान श्री रामचंद्र जी कहलाते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। यदि हम देखते हैं कृष्ण भगवान की ओर तो कृष्ण भगवान के पैदा होने के पहले ही कंस ने अनगिनत प्रयास किए थे उनको मारने के लिए। कितनी कठिनाइयों से उनका उन्हें अपना प्रारंभिक जीवन यापन करना पड़ा। आप किसी भी सफल व्यक्ति को देखिए, जितनी अभाव में जितनी कठिनाइयों में वो विजय करके जब जीतता है किसी चीज़ को तो वह बहुत बड़ा महान व्यक्ति कहलाता है। तो इसी तरह साथियों यदि हमारे जीवन में किसी भी तरह की समस्या आती है तो उससे हमें मजबूती से लड़ना चाहिए और उस कठिनाई को किस तरह से दूर किया जा सकता है इस विषय में सोचना चाहिए। तो साथियों अब आज का व्लॉग मैं अभी यहीं समाप्त करता हूं, इस विश्वास के साथ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। और आज के यदि व्लॉग पसंद आया है तो आपसे विशेष अनुरोध, इसे लाइक करें, शेयर करें और आप मेरे चैनल में नए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो साथियों चलिए जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखिएगा और ज़रूर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।